आप सभी का हमारे YouTube चैनल BSc बॉटनी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है सेवेंथ यूनिट में BSc सेकंड सेमेस्टर बॉटनी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो पॉलिन सैक होता है ये इनर मोस्ट वॉल लेयर होता है टैपेटम का। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनर मोस्ट वॉल लेयर होता है जो पॉलिन सैक का, उसे क्या कहते हैं? तो टैपेटम कहते हैं। डेवलपमेंट जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, वो कहाँ से होता है? यूस्पोरोजिनेट से होता है। एंथर जो होता है वो जनरली क्या होता है? कंपोज होता है, उसमें फोर स्पोरेंजिया जो है वो देखने को मिलेगा। स्टामिन जो होता है वो एराइज होता है कहाँ से? रेसिपिटल से। जो इंटाइन होता है पॉलन ग्रेन का, वो मेडअप होता है सेलुलोज का, यानी कि जो इनर पार्ट होगा इंटाइन का वो सेलुलोज का बना होगा, जबकि जो आउटर पार्ट होगा वो पैक्टीन का बना होता है। हैप्लॉयड माइक्रोस्कोप जो होता है वो बिगनिंग होता है किसका? मेल गैमेटोफाइट का। मियोसिस जो होते हैं प्लांट में टेक प्लेस करते हैं, कब करते हैं? जब क्या होता है वहाँ पर चेंजेस होते हैं स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में, उस टाइम क्या होता है? मियोसिस डिवीजन जो है टेक प्लेस करता है। जो कार्पेल्स होता है उसको अनदर नेम मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं, ये कहाँ से अराइज होता है? जो टिप होता है एग्जिस का रेसिपिटल से, वहाँ से ये क्या होते हैं? अराइज होते हैं। जो पॉइंट होता है अटैचमेंट ऑफ बॉडी टू ओव्यूल स्टाल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इंटिगमेंट अराइज होता है कहाँ से? चैलजा से। वेन डायग्राम जो थे इन्होंने टर्म दिया था हाइपोस्टेल्स, इसका मतलब क्या होता है? ये कप लाइक होता है या फिर प्लेट शेप्ड का होता है। ये एक स्पेशलाइज न्यूक्लियर सेल होता है जो कि सैचुएटेड होता है बिलो द बेस ऑफ एम्ब्रियो सैक। आर्थोट्रोफस ओब्यूल्स को अनदर नेम स्ट्रेट ओब्यूल्स भी कहते हैं, इसमें क्या होता है? हाइलम, चैलजा और माइक्रोपाइल जो होता है वो एक सेम लॉन्गिट्यूडनल एक्जिस में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। एनामेलस या फिर इन्वर्टेड ओब्यूल्स, इसमें क्या होता है? जो माइक्रोपाइल और हाइलम होते हैं ये नियर होते हैं ईच अदर के और ये पैलर होते हैं, जबकि जो चैलजा होता है वो सैचुएटेड होता है ओवरी फ्रॉम द हाइलम एट अपोजिट एंड। एम्फीट्रोफस ओब्यूल्स, इसमें क्या होता है? जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कर्व्ड होता है लाइक हॉर्स होता है। हेमी एनाट्रोफस या फिर हेमीट्रोफस ओब्यूल्स, इसमें क्या होता है? जो ओब्यूल होता है ये बेंट होता है 90 डिग्री और उसमें जो फ्यूनिकल्स होते हैं माइक्रोपाइल्स होते हैं चैलजा होते हैं ये लाइंग होते हैं स्ट्रेट लाइन में। जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एम्ब्रियो सैक को, जो कि यूजुअली क्या होते हैं? 7 सेल स्ट्रक्चर होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। ट्रांसफर जो होता है पॉलिन ग्रेन का फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होगा तो वो क्या कहलाता है? इंटोमोफिली कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये पांचों पॉइंट। अगर पॉलिनेशन बर्ड के द्वारा होगा तो ऑर्निटोफिली कहलाता है। पॉलिनेशन बैट के द्वारा होता है चिरेटोट्रॉफी कहलाता है। पॉलिनेशन हवा के द्वारा होगा तो एनिमोफिली कहलाता है। और पॉलिनेशन स्नेल के द्वारा होगा तो वो मेलकोफिली कहलाता है। ये पांचों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि एयर के द्वारा किसके द्वारा आता है प्रीवियस ईयर में? इंसेक्ट के द्वारा, ये दोनों पूछा गया है। जो कंडीशन होता है क्या होता है नॉर्मली? एंथर और स्टिग्मा फ्लावर तो मैच्योर होते हैं सेम टाइम पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? होमोगैमी कहते हैं। जब एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो होमो कहेंगे। और सेल्फ पॉलिनेशन जब अकर करता है टू डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेनिटोगैमी कहते हैं। पॉलिनेशन जो होता है फ्लावर बिलो वाटर लेवल पानी के अंदर यानी कि एक्वेटिक में होगा, तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। जब पॉलन ट्यूब क्या होता है एंटर होता है ओब्यूल्स से किसके द्वारा? माइक्रोपाइल्स के द्वारा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोगैमी कहते हैं। जब पॉलन क्या होता है एंटर होता है ओब्यूल्स में किसके द्वारा? चैलजा के द्वारा, तो उसको हम लोग चैलजोगैमी कहते हैं। जब पॉलन ट्यूब एंटर होता है ओब्यूल्स में एम्ब्रियो सैक के द्वारा इंटिगमेंट से होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीसोगैमी कहते हैं। एडवर्ड स्ट्रासबर्ग जो थी ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है एंजियोस्पर्म में देखा था। डबल फर्टिलाइजेशन जो था इसको डिस्कवर किए थे एस जी नावसर चिन ने। पेरिकार्प जो होता है वो डेवलप होता है ओवरी के वाल से, जो कि 3 लेयर का होता है, एपिकार्प, मिसोकार्प और इंडोकार्प। एपिकार्प जो होता है आउटर लेयर होता है, मिसोकार्प जो होता है मिडल लेयर होता है, इंडोकार्प जो होता है वो इनर लेयर होता है। सीड जो होता है वो डेवलप होता है ओब्यूल से, फ्रूट और जब मैच्योर होता है विदाउट सीड के, और वहाँ पे जो सीड का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, तो इस टाइप्स के फ्रूट को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक कहते हैं।
जब इम्ब्रियो डेवलप होता है फ्रॉम सम सेल्स ऑफ इम्ब्रियो सैक अदर देन एग, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।